फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। आज हम अकाउंट में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। सबसे पहले हम समझे ज्वाइंट वेंचर होता क्या है। ज्वाइंट वेंचर मींस पार्ट टाइम पार्टनरशिप। मींस क्या होता है, देखो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, मे बी पॉसिबल आप फॉरएवर के लिए भी बोल सकते हो। बट ज्वाइंट वेंचर क्या है, पार्ट टाइम के लिए। भाई हो सकता है पार्टनरशिप 3 मंथ के लिए करो, 6 मंथ के लिए करो, 1 साल के लिए करो, 2 साल के लिए करो, कंप्लीट करनी है मींस 1-1.5 साल में फिनिश हो जाएगी 2 साल में, तो वो पार्ट टाइम पार्टनरशिप होता है, ज्वाइंट वेंचर। भाई सपोज करो, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। भाई एक ए है और एक बी पर्सन है, दो पर्सन है। ये ए पर्सन जो है ना, ए पर्सन अपना बिजनेस कर ही रहा है, मींस समझो एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में भाई ए पर्सन जो है अपना बिजनेस कर रहा है, ठीक है। और बी पर्सन है वो भी अपनी एरिया में अपना एक बिजनेस कर रहा है, पर क्या है, दोनों जो है अभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि दिवाली की सीजन आ गई, तो ये क्या कर रहे हैं भाई, अपनी एरिया में तो सेल कर रहे हैं, ये भी अपनी एरिया में सेल कर रहे हैं, पर दोनों मिलके, ये दोनों खुद में मिल रहे हैं, समझो फ्रेंड ही हैं, तो इन दोनों को माइंड में ऐसा आ रहा है कि अगर जो दूसरी एरिया को कवर करें तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा और सेल भी बढ़ेगी, बराबर ना। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके एक पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक जगह में जाके कोई पर्टिकुलर एरिया में जाके पार्टनरशिप कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिल जाते हैं, पर वो भी कितने मंथ के लिए, दिवाली के 3 या 4 मंथ के लिए अपना बिजनेस, मतलब दोनों में मिलके पार्टनरशिप हो रही है और उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। और यहाँ पे ए और बी जो है वो उसको को वेंचर बोलते हैं, ठीक है ना। ज्वाइंट वेंचर में पार्टनर नहीं बोलते हैं, को वेंचर बोलते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बोला जाता है, भाई फर्स्ट पार्टनर, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, ऐसे, ठीक है ना, कितने भी हो सकते हैं, मैंने तो सिर्फ 2 जने भी हैं। तो ये क्या है, दोनों मिलके पार्ट टाइम के लिए 3 या 4 मंथ के लिए किसी दूसरी एरिया में यही सेम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो भी 3-4 महीनों के लिए, 3-4 मंथ के लिए, बराबर ना। मीन्स नेचुरली वो अपनी एरिया में तो काम कर ही रहे हैं, एक दूसरी एरिया को करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब ये पार्टनरशिप करेंगे ना, आपको पार्टनरशिप के लिए सोचना है, उनके खुद के बिजनेस के लिए नहीं सोचना है, पार्टनरशिप। हो सकता है भाई एक का जो बिजनेस है वही कर रहे हैं, भाई एक बिजनेस में जो शॉप में माल पड़ा हो वही पार्टनरशिप में लेके आए, बी भी लेके आए, और ऐसा भी हो सकता है मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं, ओके। वो इफेक्ट आएंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ओके। तो सबसे पहले ये समझो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो अभी इसमें अकाउंट कैसे बनेंगे। अकाउंट भाई अगर जो इन द बुक्स ऑफ ए, अगर जो ए बना रहा है, इन द बुक्स ऑफ ए मींस ए में अगर जो अकाउंट बनाओगे, ए में ए अगर जो बना रहा है तो कैसे, मींस अलग अलग सेपरेट बना रहा है, ए अपने अकाउंट बना रहा है, बी अपने अकाउंट बना रहा है, सेपरेट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इन द बुक्स ऑफ, सपोज करो ए बना रहा है, ए कौन से बनाएगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और दूसरा क्या बनाएगा, बी अकाउंट, बी का बनाएगा। अगर जो इन द बुक्स ऑफ ए, ए बनाएगा तो 2 अकाउंट बनाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड बी का अकाउंट। और ऐसी सिचुएशन में अगर जो ए कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा, ए की इफेक्ट होगा क्योंकि इन द बुक्स ऑफ ए में कर रहा है, और बी जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके 2 इफेक्ट होंगे। जैसे कंसाइनमेंट में सीख गया, कंसाइनर जो भी ट्रांजेक्शन करे तो 1 इफेक्ट, कंसाइनी जो भी करे तो 2 इफेक्ट, उसी तरह सिचुएशन है, ठीक है। और अगर जो सपोज करो इन द बुक्स ऑफ बी, अगर जो बी बना रहे हैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ बी, तो बी में कौन से अकाउंट बनेंगे, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेंगे, मींस बनेगा, एंड दूसरा ए का अकाउंट बनेगा, एस अकाउंट। तो ऐसी सिचुएशन में बी जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, एक ही इफेक्ट क्योंकि इन द बुक्स ऑफ बी में कर रहा, तो बी जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, पर ए कुछ भी करेगा, मींस कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा तो उसके 2 इफेक्ट, ठीक है ना। इस तरह बन सकते हैं, पर हो सकता है दोनों साथ में भी मिलके बनाए, मींस दोनों मिलके एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, ज्वाइंट बैंक अकाउंट मिलके, ठीक है ना भाई। दोनों मिलके अकाउंट ही साथ में बना रहे, अलग अलग सेपरेट नहीं बना रहे, साथ में बना रहे, तो साथ में मींस पार्टनरशिप में ही बन रहा है, ठीक है। तो उसमें कौन से अकाउंट बनेंगे, उसमें बनेगा, एक बनेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा बनेगा ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ओके, और दूसरा दोनों को वेंचर है उनका बनेगा एस अकाउंट एंड
बीस अकाउंट। यहाँ पे ए और बी जो है उसको कोवेंचर बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना पार्टनर नहीं बोलते, कोवेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ए अकाउंट एंड बी अकाउंट, अगर जो पार्टनरशिप में बनाया जाएगा तो मीन्स अलग सेपरेट नहीं बना रहा है, न ए सेपरेट बना रहा है न बी सेपरेट बना रहा है, पार्टनरशिप में साथ में बनाया जा रहा है, तो उस टाइम में ये चार अकाउंट बनेंगे। और अगर जो ये चार अकाउंट बनाओगे ना, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ना, मोस्ट ऑफ दो ट्रांजेक्शन दो इफेक्ट होंगे, मोस्ट ऑफ मीन्स नियरली समझो सबके ही जो भी इफेक्ट होंगे दो दो इफेक्ट होंगे, नियरली सब होंगे, बाय चांस एक आधा आएगा जो एक ही इफेक्ट होगा, वो भी मेरे हिसाब से नहीं होगा, सब जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो दो इफेक्ट आएंगे सबके, आपको पता चल जाएगा और बहुत ईजी है। और आज के वीडियो में हम ये कवर करेंगे, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ ए एंड इन द बुक्स ऑफ बी, ये हम कवर करेंगे, इसको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। अकाउंट आपको पता होना चाहिए कैसे बनता है, बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है, आप कंसाइनमेंट अकाउंट सीख के आए, सिमिलर है समझो, थोड़ा बहुत उससे सिमिलर ही है, ठीक है ना। तो अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो उसकी मीनिंग समझे, क्या बता रहा है, ऑन 1/7/2009 हितेश एंड शैलेश एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ अ कंडीशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। देखो 1/7/2009 को दो हितेश एंड शैलेश दो कोवेंचर बोल सकते हो, वो क्या है ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो रहा है, क्लियर बोल रहा है, एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर, और वो भी कंडीशन कौन सी रख रहे हैं भाई, पार्टनर इन पार्टनरशिप है, जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो इक्वली शेयर करेंगे, ठीक है ना, इक्वल रेशो है उनका, ओके। फिर देखो आगे क्या बता रहा है, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया दैट हितेश इज टू बी पेड अ कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेल मेड बाय हिम। भाई जो जब ये ज्वाइंट वेंचर कर रहे थे तो उसमें ये कंडीशन रखी गई कि हितेश जो भी सेल करेगा उसको उस पर सेल पे 10% उसको कमीशन चाहिए हितेश को, बराबर ना। हितेश क्लियर बोल रहा है कि डिसाइड किया गया जो भी हितेश सेल करेगा उसको हितेश को उस सेल का 10% कमीशन मिलेगी, ठीक है ना। एंड शैलेश इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, और शैलेश क्या बोल रहा है कि मुझे कमीशन नहीं चाहिए, मुझे पर मंथ का 1000 रुपीज सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो हितेश बोल रहा है कि मुझे सेल पे कमीशन चाहिए, और शैलेश क्या बोल रहा है मुझे पर मंथ के 1000 रुपया एज अ सैलरी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कोवेंचर कौन सी तारीख को हुआ है, 1/7/2009, क्योंकि कब कंप्लीट होगा वो हमें नीचे दिया होगा, क्योंकि जब कंप्लीट होगा तो उतने मंथ की आपको सैलरी देनी पड़ेगी ना, एक मंथ की सैलरी 1000 रुपीज है, तो जब कंप्लीट होगी तो उतने मंथ की आपको सैलरी सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 1/4, और मैंने आपको बताया ज्वाइंट वेंचर मतलब पार्टनर इन पार्टनरशिप, हो सकता है 3 महीने चले, हो सकता है 1 साल चले, पता नहीं है, जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ओके। फिर देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग वर द ट्रांजेक्शन, नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं रिलेटिंग टू ज्वाइंट वेंचर, ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2010। देखो 31 मार्च 2010 को फॉर्म बन, क्लियर बोल रहा है, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2010, स्टार्ट कब हुई 1/7/2009, खत्म कब हो रही है 31 मार्च 2010, मतलब कितने मंथ पार्टनरशिप चली, 9 मंथ। तो जब शैलेश को आप सैलरी दोगे ना तो 1 मंथ का 1000, तो 9 मंथ का 9000, तो 9000 उसको सैलरी देनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ओके। तो देखो किस तरह बता रहा है, हितेश गेव गुड्स वर्थ 44,000 फ्रॉम हिज ऑन स्टॉक, ऑन स्टॉक मतलब हितेश का खुद का बिजनेस है, उसमें से 44,000 के गुड्स जो हैं वो पार्टनरशिप में लेके आया, मतलब ज्वाइंट वेंचर में लेके आया, बराबर ना, क्लियर बोल रहा है ऑन स्टॉक। तो आप खुद सोचो ये हितेश के लिए क्या हुआ, हितेश अपने बिजनेस के लिए सोचेगा तो हितेश के लिए तो सेल हुई, और अगर जो पार्टनरशिप के लिए सोचे तो वन टाइप ऑफ परचेस हुई, अगर जो हितेश नहीं देगा तो मार्केट से लेना पड़ेगा। तो हितेश पे, हितेश के पास अपने शॉप पे, अपने दुकान पे माल पड़ा, वो किस में लेके आ रहा है, पार्टनरशिप में लेके आ रहा है, तो हितेश के लिए सेल है, पर ज्वाइंट वेंचर के लिए पार्टनरशिप फॉर्म के लिए परचेस है, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोले, ये तो आपको समझाने के लिए मैं पार्टनरशिप फॉर्म बोल रहा हूँ, पर हकीकत में ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, ओके। तो हितेश जो है अपना माल लेके आ रहा है 44,000 एंड पेड ₹2500 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस, और माल लेके अपने बिजनेस, अपने मीन्स बिजनेस में से ज्वाइंट वेंचर में लेके आया, तो बेचते समय फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा कितना गया,
2500। तो ये दोनों जो होंगे ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए एक परचेस हुई और दूसरा एक्सपेंस हुआ, तो ये जो भी होगा ज्वाइंट वेंचर में डेबिट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, शैलेश परचेस गुड्स वर्थ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। भाई देखो, शैलेश ने अपने बिजनेस से नहीं लेके आया, शैलेश ने मार्केट से लिया, क्लियर बोल रहा है। परचेस गुड्स वर्थ 40,000 के गुड्स परचेस किए हैं और वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट में। 10% ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दें, तो 40,000 का 10% निकालो, 4,000 वो माइनस कर दो, तो रिमेनिंग कितना बचा, 36,000। तो 36,000 का माल परचेस किया, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, ठीक है ना। एंड गेव सेम ज्वाइंट वेंचर, और बोल रहा है वो ज्वाइंट वेंचर में लेके आया, मीन्स पार्टनरशिप में लेके आया, ठीक है ना। शैलेश जो है 40,000 के गुड्स मार्केट से ले रहा है, परचेस कर रहा है, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 40,000 में से 4,000 माइनस कर दिया, मतलब 36,000 के गुड्स परचेस कर रहा है, और वो कहाँ पे लेके आ रहा है, ज्वाइंट वेंचर में लेके आ रहा है, मीन्स पार्टनरशिप में लेके आ रहा है। फिर क्या हो रहा है, ही पेड 1500 फॉर फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस, और इसने खर्चा किया 1500 रुपया फ्रेट और कैरेज के, किसने, शैलेश ने, बेचते समय, ठीक है ना, फ्रेट और कैरेज के पार्टनरशिप में जब भेजा तो वहां पे इसने इतना खर्चा किया, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, डेबिट होंगे, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर के लिए परचेस हुआ, ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस भी हुआ, बराबर ना, पार्टनरशिप के लिए परचेस हुई और एक्सपेंस हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखो थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, हितेश सोल्ड सम ऑफ गुड्स फॉर 110,000 एंड पेड 2,000 एज सेल्स एक्सपेंस। भाई हितेश ने क्या किया, थोड़ा बहुत गुड्स, देखो क्लियर बोला है, सोल्ड सम ऑफ गुड्स, थोड़ा माल जो है 1,00,000 में सेल कर दिया, तो सेल 1,00,000 ही है, पर उसके सामने एक्सपेंस भी किया 2,000 सेल्स एक्सपेंस। तो क्या होगा, सेल किया तो सेल ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट आएगी, पर जो ये सेल्स एक्सपेंस किया वो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और हितेश ने किया, इसके बाद आगे क्या बता रहे, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स। अभी हितेश ने जितने माल बच गया, कितना बच गया, क्लियर बता रहा है, वर्थ 20,000 का माल बच गया, अनसोल्ड बोल रहा है, वो 20,000 का बच गया वर्थ 20,000 आफ्टर एडिंग देयर इन 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। भाई कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट ऐड करके, तो कॉस्ट प्राइस भी आपको फाइन करनी पड़ेगी, जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट में करते थे क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस फिर उसमें प्लस करते थे कंसाइनर के एक्सपेंस और कंसाइनी के एक्सपेंस, इसमें भी करना पड़ेगा। इन्होंने भी दोनों ने खर्चा तो किया है ना, और ध्यान रखना ये सेल्स एक्सपेंस नहीं लेंगे, जैसे कि ये सेल्स एक्सपेंस है ना, ये नहीं लेंगे, कंपलसरी परचेस के पीछे जो खर्चा हुआ वही लेना है। तो हितेश ने खर्चा किया था 44,000 के गुड्स भेजे थे, खर्चा किया था 2,500, और शैलेश ने 36,000 का माल परचेस किया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, और 1,500 रुपया खर्चा किया। तो ये 2,500 और ये 1,500, ये आपको ऐड करना पड़ेगा, मीन्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो समझो, क्लियर बता रहा है, जो अनसोल्ड गुड्स बच गए 20,000 के, वो सेल कर रहे हैं आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे 20% प्रॉफिट ऐड करके, एंड पेड 11804 कैरेज आउटवर्ड, मतलब ये भी माल बेचते समय, मतलब सेल्स एक्सपेंस हुआ, तो ये भी सेल तो हुई, सेल क्रेडिट ही आएगी, वो आपको निकालनी पड़ेगी, प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा 20%, वो हम कैलकुलेशन करेंगे, और 1180 एक्सपेंस है तो वो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आएगा, ठीक है ना, इस तरह। फिर आगे देखो क्या बोल रहा है, शैलेश एग्रीड टू पे 500 फॉर स्टेशनरी परचेस फॉर ज्वाइंट वेंचर फ्रॉम शिल्पा स्टेशनरी मार्ट ऑन क्रेडिट। वह बोल रहा है स्टेशनरी परचेस की गई थी, स्टेशनरी कितने परचेस की गई थी, 500 की, और किससे, शिल्पा स्टेशनरी पार्ट से, और वो भी क्रेडिट पे, मतलब अभी उसको पैसे देने बाकी हैं, किसको, शिल्पा स्टेशनरी मार्ट को। पर क्या बोल रहा है, शैलेश एग्रीड टू पे, शैलेश बोल रहा है मैं पे कर दूंगा, तो कहने का मतलब हम ऐसे समझेंगे शैलेश ने खर्चा किया 500 रुपये स्टेशनरी का खर्चा किया, तो ये ज्वाइंट वेंचर में डेबिट जाएगा, एक्सपेंस है तो, ठीक है, इस तरह होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो क्लियर बता रहे हैं, ऑन 2010 आएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है इनकी, 2009 में स्टार्ट किया था, 2010 में कंप्लीट होगा। तो 31 मार्च 2010 द ज्वाइंट वेंचर बिजनेस वॉज क्लोज, बिजनेस क्लोज करना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया पार्टनरशिप होती है, थोड़े टाइम के लिए होती है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ वो ले लेंगे। बहुत ही को वेंचर, देखो को वेंचर लिखा हुआ है, मैंने आपको बोला था पार्टनर्स को यहाँ पे को वेंचर बोलते हैं। बहुत ही को वेंचर सेटल देयर अकाउंट, और अपना अकाउंट सेटल कर दिया, जो भी प्रॉफिट है लॉस है अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बिजनेस बंद, मीन्स ज्वाइंट वेंचर बंद, क्लोज, ठीक है ना, इस तरह। फिर आपको अकाउंट कौन से बना रहा है, फिर हम पढ़ें,
देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम दी अबव पर्टिकुलर, ऊपर जो आप क्वेश्चन पढ़ के प्रिपेयर क्या बनाना है, ए बोल रहा है इन दी बुक्स ऑफ हितेश, बोल रहा है हितेश में बनाओ, तो दो अकाउंट बनाओगे ज्वाइंट डेंजर एंड शैलेश, देखो बता रहा है ज्वाइंट डेंजर एंड शैलेश अकाउंट, तो ऐसी सिचुएशन में हितेश कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ हितेश बना रहे हो, हितेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, पर शैलेश कुछ भी करेगा तो उसके दो इफेक्ट होंगे, ध्यान रखना ठीक है। और इसके बाद ये भी बोल रहा है ये भी बनाओ इन द बुक्स ऑफ शैलेश, शैलेश में बनाओ, क्या बनाओ ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड हितेश अकाउंट, इस सिचुएशन में शैलेश कुछ भी करेगा तो एक ही इफेक्ट, मीन्स शैलेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, और हितेश कुछ भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट, ठीक है ये ध्यान रखना, जैसे आप कंसाइनमेंट में करते थे उसकी तरह ही है ओके। तो इस तरह हमने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, अभी हम सम बोर्ड पे स्टार्ट करते हैं ओके। तो इस तरह हम क्वेश्चन पढ़ के अभी हम अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले किस में बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ हितेश, हितेश में दो अकाउंट बनाएंगे, कौन से, एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड दूसरा शैलेश अकाउंट, और मैंने आपको बताया था इस सिचुएशन में हितेश कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा एक ही इफेक्ट, एंड शैलेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखो अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा और जो भी मीन्स ट्रांजेक्शन होंगे हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में 1/7/2009 को दोनों पार्टनर मीन्स दोनों को वेंचर हितेश और शैलेश ज्वाइंट वेंचर में एंटर हो रहे हैं, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल ही है, और इसके बाद ये डिसाइड किया गया हितेश जो भी सेल करेगा उस पे उसको 10% कमीशन मिलेगी, एंड शैलेश बोल रहा है कि मुझे पर मंथ सैलरी चाहिए 1000, ठीक है। तो ये हम लास्ट में ट्रांजेक्शन करेंगे, ये फर्स्ट पैराग्राफ में। दूसरे पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं आपको, भाई 31/3/2010 को क्लोज कर रहे हैं और आपको ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर हितेश जो है अपने बिजनेस में से ऑन स्टॉक क्लियर बोल रहा है, ऑन स्टॉक मतलब अपने बिजनेस में से 44,000 माल लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये हितेश के लिए सेल है पर पार्टनरशिप फर्म के लिए परचेस है, ठीक है ना। तो देखो आप इन द बुक्स ऑफ हितेश में लिख रहे हो तो ये थोड़े वर्ड्स में थोड़े चेंज हो जाते हैं, किस तरह लिखोगे, ये हितेश जो है हितेश बना रहा ना, तो हितेश अपने अकाउंट में तो क्या लिखेगा, सेल लिखेगा ना, मीन्स यहाँ पे हितेश क्या लिखेगा, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट एंड ब्रैकेट में लिखना है ऑन स्टॉक, इसका मतलब है हितेश के लिए सेल है और हम ज्वाइंट वेंचर में डेबिट लिख रहे हैं, इसका मतलब ज्वाइंट वेंचर के लिए परचेस है, ठीक है ना। सिर्फ वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना, ये सेल्स क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हम इन द बुक्स ऑफ हितेश कर रहे हैं और हितेश के लिए सेल है, पार्टनरशिप के लिए परचेस है, इसमें थोड़े वर्ड्स का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कितने के गुड्स लेके आ रहा है, 44,000, ठीक है ना, 44,000, और ये बेचते समय खर्चा कर रहा है हितेश ही, और हितेश करेगा तो हितेश ने ट्रांजेक्शन किया तो ये भी एक ही हितेश का ट्रांजेक्शन है ना, तो एक ही इफेक्ट, ठीक है। और यहां पे क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, हितेश ने किया ना टू कैश अकाउंट, ठीक है ना, कितना खर्चा किया है 2500, बेचते समय फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा किया है, तो हितेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, तो मैंने एक ही इफेक्ट किया, भाई ज्वाइंट वेंचर के लिए परचेस है तो मैंने डेबिट किया परचेस है तो, और दूसरा खर्चा है तो भी डेबिट किया, और दूसरी बात इन द बुक्स ऑफ हितेश कर रहे हैं तो हितेश के लिए पर्सनल अपने शॉप के लिए सेल है, तो हितेश में अकाउंट, हितेश जब अकाउंट बनाएगा ना तो वो सेल लिखेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हितेश बना रहा है ओके। ये समझो, ये वर्ड्स का खाली ध्यान रखना थोड़ा, हाँ ये थोड़ा चेंज आएगा कभी कभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बता रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड नंबर, शैलेश ने मार्केट में से परचेस किया 40,000 के गुड्स जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस कर दूंगा, मीन 36,000 का गुड्स परचेस किया, और किसने किया, शैलेश ने किया, इसके दो इफेक्ट होंगे बराबर ना। तो क्या लिखोगे, परचेस कर रहा है तो डेबिट आएगा, मैं क्या लिखूंगा टू शैलेश अकाउंट, ठीक है, एंड ब्रेकेट में क्या लिखूंगा परचेस, भाई परचेस किया है, कितने का माल परचेस किया 36,000, और शैलेश ने खर्चा भी किया है, क्या लिखूंगा शैलेश अकाउंट, ठीक है, शैलेश अकाउंट ब्रेकेट में एक्सपेंस, ठीक है, कितना खर्चा किया है 1500 ओके, बेचते समय फ्रेट और इंश्योरेंस के, और ये दोनों के दो इफेक्ट, मीन दूसरा भी इफेक्ट जाएगा, शैलेश का अकाउंट बनाया यहाँ पे डेबिट है यहाँ पे क्रेडिट आएगा,
ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट कितना 36,000 जितने का माल परचेस किया। दूसरा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट जो खर्चा किया, ठीक है ना, कितना खर्चा किया 1500। ओके, शैलेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसके दो इफेक्ट। तो शैलेश ने परचेस किया, पार्टनरशिप के लिए परचेस, ज्वाइंट वेंचर में डेबिट, शैलेश को क्रेडिट। शैलेश ने खर्चा किया, शैलेश ने खर्चा किया तो ज्वाइंट वेंचर में डेबिट एंड शैलेश में क्रेडिट, सिंपल। ओके, ये सेकंड नंबर एडजस्टमेंट हो गया। आ जाओ थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर में देखो क्या बता रहे, हितेश ने माल सेल किया। क्लियर बोला, हितेश सोल्ड सम ऑफ दी गुड्स, जितना माल है उसमें से थोड़ा बहुत माल सेल किया, कितने में, 1,00,000 में। तो मैं सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये पार्टनरशिप के लिए सेल हुई, ठीक है ना। तो क्या लिखूं, हितेश कर रहा है तो बाय कैश अकाउंट, ठीक है ना, बाय कैश अकाउंट एंड ब्रेकेट में सेल, भाई सेल हुई है ये और कैसे आए हैं, ठीक है, कितने, 1,00,000, 1,00,000 में सेल किया है और उसके पीछे 2,000 सेल्स एक्सपेंस भी किया है। सेल्स खर्चा है तो डेबिट में आएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, हितेश कर रहा है तो एक ही इफेक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है ना, 2000 हितेश कर रहा है, एक ही इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ हितेश कर रहा है, तो हितेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा उसका एक ही इफेक्ट, ठीक है। तो एक यहां पे आएगा बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में सेल, पैसे आ जाएंगे हितेश के पास, और दूसरा एक्सपेंस कर रहा है तो डेबिट में, कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 2000। ओके, इस तरह करना है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर क्या बता रहा है, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स वर्थ 20,000, 20,000 का माल बच गया है वो सेल कर रहे हो आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस आपको फाइन करनी पड़ेगी, मींस इस तरह देखो भाई, हितेश ने क्या किया था, 44,000 के गुड्स भेजे थे, 44,000 के गुड्स भेजे थे ना हितेश ने, आप देखो हितेश ने अपने बिजनेस में से 44,000, और उसके सामने खर्चा क्या किया था, 2500 खर्चा किया था। इसी तरह ही शैलेश ने मार्केट में से माल परचेस किया था, कितने का माल परचेस किया था, 36,000, और उसके पीछे खर्चा कितना किया था, 1500 खर्चा किया था। तो कहने का मतलब आपके पार्टनरशिप में कितने का माल आया, 80,000, मतलब पार्टनरशिप में 80,000 का माल आपने परचेस किया, ठीक है ना भाई। हितेश ने 44 का दिया और शैलेश ने मार्केट में से 36 का परचेस किया, तो 40,000 आया पार्टनरशिप में, 80,000 का माल आया आपके बिजनेस में। और खर्चा कितना हुआ, खर्चा ध्यान रखना सेल्स एक्सपेंस नहीं लेते हैं, जो ये सेल्स एक्सपेंस है ना 2000 वो नहीं लेते हैं, परचेस से रिलेटेड, परचेस के पीछे जो खर्चे हुए हैं, तो वो कितने हुए, इन दोनों का मिला के 4,000, ठीक है ना। तो देखो अभी ये ध्यान रखना, अभी देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अनसोल्ड गुड्स कितने हैं, 20,000 है, ठीक है ना, और उसकी कॉस्ट प्राइस निकाल के उसमें क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है 20%। तो देखो किस तरह का भाई, आपकी कॉस्ट प्राइस 20,000 मतलब 20,000 का माल है, ओके, फिर इसमें प्लस करूंगा एक्सपेंस, ध्यान रखना दोनों के साथ में लेना क्योंकि इजी हो जाएगा, अलग अलग भी ले सकते हो, पॉइंट में आएगा और कुछ नहीं है, पॉइंट में आएगा ऐड करोगे फिर वही आ जाएगा। तो एक्सपेंस ऑफ दोनों के ऐड कर रहा हूं मैं, हितेश दोनों के ऐड कर भी लिखा ना इधर मैंने, हितेश एंड शैलेश, दोनों के खर्चे किस तरह हुए भाई, 80,000 80,000 का माल था बराबर ना, दोनों ने मिला के भाई, एक ने 44 का लिया मीन्स अपने बिजनेस में से लेके मतलब वहां परचेस कर 44, दूसरे ने 36,000 का बचे, 80,000 का परचेस किया, खर्चा दोनों ने कितना लिया, 4,000, और गुड्स कितने बच गए आपके, 20,000 के, मीन्स बोला ना वर्थ 20,000, तो क्या करूंगा 20,000 इंटू 4,000 डिवाइड 80,000, ठीक है, इस तरह करोगे तो आपको एक्सपेंस आ जाएंगे। तो एक्सपेंस ऑफ शैलेश, हितेश एंड शैलेश कितना आया, इसको करोगे 20,000 आएगा, ओके 1,000 आएगा, फिर इन दोनों का मैं प्लस करूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्पेस नहीं है नीचे मुझे, तो इन दोनों का मैं प्लस करूं 21,000, अब इसके नीचे लिखना, फिर इसमें प्लस करूंगा मैं प्रॉफिट, इसमें क्या करूंगा प्रॉफिट ऐड करूंगा, प्रॉफिट कितना होता है 20%, इसका 20% निकालूं तो 4200, प्लस करूंगा 25,200, मींस वो 20,000 के गुड्स प्रॉफिट ऐड करने के बाद इतने में सेल किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको एक्सपेंस ऐड करने, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस बताया है।
तो कॉस्ट प्राइस में एक्सपेंस आपको ऐड करने हैं, जैसे आप कंसाइनमेंट अकाउंट में करते थे क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करते समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरह आपको मैं सेल कितने में किया, 25,200, और किसने सेल किया, हितेश ही बता रहा था, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स, ठीक है ना। तो हितेश ने सेल किया तो एक ही इफेक्ट, और सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश अकाउंट, ठीक है, एंड ब्रैकेट में सेल्स, ठीक है। कितने में सेल किया, 25,200 है, 20,000 का माल, पर प्रॉफिट ऐड करने के बाद 25,200 में सेल किया। ओके, इस तरह होगा। फिर इसके बाद आपको क्या बता रहे हैं कि इसी पॉइंट में ही मीन 20,000 के जो गुड्स हैं वो सेल कर रहे हो, और उसके पीछे खर्चा भी किया है 1180। किसने किया, हितेश ने, हितेश ने सेल किया 25,200 का, तो खर्चा भी हितेश ने किया, क्लियर बता रहा है, ठीक है ना। तो उसका कितने इफेक्ट होंगे, एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि हितेश खर्चा कर रहा है। क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, और एक्सपेंस तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है ना, 1180। ओके, इस तरह। इसके बाद फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट क्या बता रहा है, मीन्स आपने स्टेशनरी परचेस किया है किससे, क्रेडिट पे, शिल्पा स्टेशनरी मार्ट से, और शैलेश बोल रहा है कि मैं पे कर दूंगा, तो इसका मतलब ज्वाइंट वेंचर में शैलेश ने ये खर्चा किया, क्योंकि वो पे कर रहा, बोला मैं दे दूंगा, तो कहने का मतलब शैलेश ने खर्चा किया, हम ऐसे समझेंगे, ठीक है ना। तो उसके दो पैटों में खर्चा हो रहा है ज्वाइंट वेंचर में, तो यहाँ पे आएगा, क्या लिखूंगा मैं, शैलेश अकाउंट, शैलेश कर रहा है, तो उसके दो इफेक्ट यहाँ पे आएगा, 500 की स्टेशनरी परचेस की थी, एक इधर और एक यहाँ पे लिखोगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ओके, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है ना, इस तरह आएगा 500। इसके बाद सिक्स नंबर पॉइंट में बता रहे हैं कि 31 मार्च 2010 को ज्वाइंट वेंचर कंप्लीट कर रहे हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ के आए थे, जिसमें क्या डिसाइड किया गया था, हितेश ने बोला था जो भी मैं सेल करूं मुझे उस सेल का 10% चाहिए, और शैलेश ने क्या बोला था कि मुझे कमीशन नहीं चाहिए, पर मुझे क्या चाहिए, पर मंथ 1,000 रुपीज सैलरी चाहिए एज सैलरी, ठीक है ना। हम पढ़ के आए फर्स्ट पैराग्राफ, तो अभी हितेश को कमीशन मिलेगी और शैलेश को सैलरी मिलेगी, पर शैलेश को सैलरी कितनी मिलेगी, कब स्टार्ट हुआ बिजनेस, 1/7 को स्टार्ट किया ज्वाइंट वेंचर, और कंप्लीट कवर है 31 मार्च को, मतलब 9 मंथ का, तो 9,000 सैलरी मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले कमीशन सोचे हम, हितेश को कमीशन मिलेगी तो उसका एक ही इफेक्ट होगा, क्या लिखेंगे, टू कमीशन अकाउंट, क्या लिखूंगा, टू कमीशन अकाउंट, और हितेश ने सेल किया, दोनों की दोनों सेल किसने किए, हितेश ने किया, 1,25,200, तो दोनों मिला के हितेश ने बोला था जो भी मैं सेल करूं, तो दोनों हितेश ने सेल किए, तो उसका 10% उसको कमीशन देनी पड़ेगी, मीन्स 1,25,200 उसका 10% इसको कमीशन मिलेगी, मीन्स क्या होगा, 12,520। ओके, इस तरह इसकी कमीशन आएगी, और एक ही इफेक्ट होगा क्योंकि हितेश को मिल रही है, और शैलेश को सैलरी मिलेगी तो उसके दो इफेक्ट करेंगे, क्या लिखूंगा, शैलेश अकाउंट, क्या लिखूंगा, शैलेश अकाउंट, एंड ब्रेकेट में सैलरी, और कितनी सैलरी हुई, मैंने आपको बताया एक महीने का मीन्स 1 मंथ का 1,000, तो 9 मंथ का कितना होगा, 9,000, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर 9 मंथ चलिए, ठीक है ना। फिर अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट होगा ज्वाइंट बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 9,000, ठीक है। तो इस तरह हमारे सब इफेक्ट कंप्लीट हो गए, अभी हम अकाउंट क्लोज करेंगे, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सा है, इक्वल, मीन्स 1:1, ठीक है ना। तो अभी मैं टोटल करूं तो इस साइड टोटल ज्यादा है, आप देखो क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, तो देखो किस तरह करूंगा मैं, ये टोटल होगा 1,25,200, फिर इसमें से मैं सब माइनस करूंगा, 1,25,200 माइनस करूं 44,2500, 36,1500, 2,000, 1,180, and 500, 12,520, and 9,000, ठीक है। तो माइनस किया तो प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया है 16,000, कितना प्रॉफिट आया मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, 16,000 प्रॉफिट आया। तो ये जो 16,000 प्रॉफिट आया मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल प्रोपोर्शन कौन सा है,
मीन्स 1:1 8000 8000। तो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, शैलेश का लिखेंगे, शैलेश का लिखना है, ध्यान रखना। हिंदी बुक्स ऑफ हितेश करो ना, तो पहले शैलेश का लिखो, हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश करो तो पहले हितेश का लिखना। तो क्या लिखूंगा, शैलेश अकाउंट और ब्रेकेट में प्रॉफिट, ओके। और कितना आया 8000, एक यहां पे इफेक्ट होगा और एक मीन्स इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है 8000, ठीक है ना। इसके बाद देखो, इसके बाद टोटल करोगे तो यही आएगा 125000। और हितेश का जो आया, हितेश का भी तो 8000 ही हुआ ना, हितेश का क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हितेश में ऐसे लिखना है क्योंकि इन द बुक्स ऑफ हितेश में कर, ठीक है इस तरह लिखना है। पहले शैलेश का, ब्रेकेट में प्रॉफिट, फिर टू पी एन एल अकाउंट, ये हितेश का प्रॉफिट, ये ऊपर शैलेश का और नीचे मीन्स हितेश का, ओके इस तरह। फिर इसके बाद ये अकाउंट क्लोज करेंगे शैलेश का, इस साइड टोटल करो 36000 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 9000 प्लस 8000, मैंने इन सब का प्लस किया तो ये हितेश को मीन शैलेश को इतने पैसे मिलेंगे, हितेश को देने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सेल हितेश का रहा है तो वो शैलेश को मिलेंगे। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो भाई, हितेश शैलेश का प्रॉफिट ये निकला, मींस शेयर ये निकला, इसको 25000 मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हिंदी बुक्स ऑफ हितेश कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या करेंगे, हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश, ओके। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, अभी इसी तरह ही हम हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश में करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे करके है वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अभी इस सिचुएशन में हम पहले तो सबसे पहले हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और हितेश अकाउंट बनाएंगे। इस सिचुएशन में शैलेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा एक इफेक्ट, हितेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा दो इफेक्ट, ठीक है ना, पूरा सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और पुट करता जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि फर्स्ट नंबर पैराग्राफ में था हितेश और शैलेश, भाई कमीशन हितेश बोल रहा है मुझे 10% कमीशन चाहिए और शैलेश बोल रहा है मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, वो लास्ट में करेंगे। फिर इसके बाद आगे क्या बता रहे हैं, नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए हैं, फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन हितेश ने क्या किया, 44000 के जो गुड्स हैं वो सेंड किए हैं अपने स्टॉक में से हितेश ने किए, तो क्या होगा, दो इफेक्ट होंगे दो, ठीक है ना, क्योंकि हितेश ने सेंड किया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू हितेश अकाउंट, ओके। व्हाट्स चेंज हो जाएंगे, ये वन टाइप ऑफ परचेस हुआ जॉइंट वेंचर के लिए, हितेश के लिए सेल था, इन दी बुक्स ऑफ हितेश कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टू सेल्स अकाउंट ब्रैकेट में ऑन स्टॉक, तो मैंने वही बताया व्हाट्स चेंज होंगे, बाकी पूरा सेम ही होगा पर थोड़े व्हाट्स चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना टू हितेश अकाउंट और ब्रैकेट में परचेस, परचेस क्यों, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए परचेस है, ठीक है ना। और कितने का माल सेंड किया था, 44000, एक यहाँ पे दूसरा हितेश में क्रेडिट होगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, सेम है बिल्कुल, सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे, ठीक है ना, 44000। इसके बाद माल सेंड करते समय इसने खर्चा किया है हितेश ने कितना, 2500, तो इसका भी दो इफेक्ट, हितेश कर रहा है तो दो इफेक्ट, क्या लिखूंगा, टू हितेश अकाउंट, ठीक है, एंड ब्रेकेट में एक्सपेंस, कितने खर्चे किए, 2500, और यहां पे डेबिट है तो हितेश में क्रेडिट बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, ये आपको लिखना है। और कितने का, 2500 खर्चा किया, ठीक है, सिंपल, हितेश जो भी ट्रांजेक्शन करेगा दो रुपए, ठीक है। तो इस तरह हुआ, माल सेंड किया एक इधर और हितेश में क्रेडिट, इसी तरह हितेश ने खर्चा किया डेबिट एंड यहां पे क्रेडिट, ठीक है। फिर आगे बढ़े, सेकंड नंबर एडजस्टमेंट में क्या बता रहा है, शैलेश ने माल परचेस किया मार्केट से 36000 का और खर्चा भी किया 1500, किसने किया, शैलेश ने, एक ही इफेक्ट, क्योंकि इन दी बुक्स ऑफ शैलेश में मैंने कहा था शैलेश का एक ही इफेक्ट, क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट ब्रेकेट में परचेस, क्योंकि शैलेश ने खर्चा किया होगा, ठीक है ना, 36000, एंड दूसरा टू कैश अकाउंट ब्रेकेट में एक्सपेंस, शैलेश ने जो खर्चे किए 1500, सिंपल और कुछ भी नहीं। इसी तरह थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में हितेश ने सेल किया, क्लियर बता रहा था, हितेश ने
कुछ माल सम गुड्स जो है वो सेल किया 1 लाख में और उसके पीछे खर्चा किया 2000 सेल्स एक्सपेंस, ठीक है ना। इतने किए तो दो रखे, सेल किया है तो सबसे पहले क्रेडिट्स है, क्या लिखूंगा बाय हितेश अकाउंट, ठीक है, और ब्रैकेट में सेल, हितेश ने सेल किया, कितने का माल सेल किया 1 लाख में, ठीक है ना। तो यहां पे 1 लाख में सेल किया, यहां पे क्रेडिट, हितेश में डेबिट, क्या लिखूंगा टू ज्वाइंट वेंचर, ओके इस तरह लिखना है 1 लाख। दूसरा सेल्स एक्सपेंस किया, हितेश ने किया तो एक्सपेंस तो डेबिट में आएगा और इफेक्ट दो होंगे क्योंकि हितेश ने खर्चा किया है, ठीक है ना। टू हितेश अकाउंट ब्रेकेट में एक्सपेंस, ब्रेकेट में एक्सपेंस 2000 रुपीज खर्चा किया सेल्स एक्सपेंस, यहां पे डेबिट, यहां पे हितेश में क्रेडिट होगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ओके 2000। फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोल रहा था, हितेश ने जितना माल बच गया, कितना बच गया 20,000 का, वो कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट ऐड करके सेल कर रहा है, वो एक कैलकुलेशन तो सेम ही होगी जैसे की थी हमने, तो 20,000 का माल कितने में सेल किया 25,200 में, सेम होगा कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है ना। तो सेल किया है हितेश ने किया है तो क्रेडिट, कैलकुलेशन यही रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, बाय हितेश अकाउंट और ब्रैकेट में सेल, कितने में सेल किया 25,200 और यहां पे क्रेडिट है तो हितेश में डेबिट, हितेश ने किया है दो इफेक्ट आएंगे, ठीक है ना, 25,200 बिल्कुल इजी है, ओके। और इसी तरह ही ये सेल तो किया और सेल्स एक्सपेंस किया 1180, किसने किया है हितेश ने ही खर्चा किया है, बोलो ना, तो वो यहां पे लिखेंगे एक्सपेंस है तो डेबिट आएंगे, हितेश अकाउंट एंड ब्रेकेट में एक्सपेंस, कितना खर्चा किया 1180, यहां पे डेबिट और इसमें क्रेडिट बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, जितना खर्चा किया 1180। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर एडजस्टमेंट, शैलेश ने बोला था कि स्टेशनरी जो परचेस की थी, शैलेश ने बोला था मैं पे कर दूंगा, कहने का मतलब शैलेश ने खर्चा किया कितना 500 स्टेशनरी के पीछे, तो शैलेश ने किया है तो एक ही इफेक्ट, ठीक है ना, तो क्या लिखूंगा टू कैश अकाउंट, शैलेश ने किया ब्रेकेट में एक्सपेंस, कितना खर्चा किया 500, ओके एक ही इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पे कैश की जगह पे अगर जो नाम लिखोगे शिल्पा स्टेशनरी मार्ट वो बेटर रहेगा, क्योंकि शैलेश ने तो अभी क्रेडिट पे लिया, बोला मैं दे दूंगा, तो शैलेश ने दिए हैं नहीं दिए हैं तो क्या होगा, हम हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश कर रहे हैं ना, तो शैलेश तो यहाँ पे शिल्पा स्टेशनरी मार्ट लिखेगा, क्योंकि वो लिखेगा कि मैंने इससे खरीदा है और उसको देने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश नहीं लिखो तो बेटर है, क्या लिखो शिल्पा स्टेशनरी मार्ट अकाउंट, ओके अभी मैंने कैश लिखा है रहने देता हूँ, ध्यान रखना शिल्पा स्टेशनरी मार्ट ये लिखोगे तो बेटर है, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, 31 मार्च 2010 को फॉर्म क्लोज हो रही है, ज्वाइंट वेंचर बंदर है, तो फर्स्ट पैराग्राफ में बाकी था, हितेश ने बोला था जो भी सेल होगी उसका 10% मुझे कमीशन चाहिए और शैलेश ने क्या बोला था मुझे सैलरी चाहिए, तो पहले हितेश के लिए, हितेश को कमीशन मिल रही है तो दो इफेक्ट होंगे, क्या लिखूंगा टू हितेश अकाउंट, ठीक है, ब्रेकेट में कमीशन, और कितनी होगी ये पूरी सेल इसने की है 1,25,200, तो 1,25,200 पे 10% निकालूंगा तो क्या आएगा 12,520 और यहां पे डेबिट है तो यहां पे क्रेडिट, क्या लिखूंगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है इस तरह लिखना है 12,520 ये लिखना है, ओके। और इसके बाद शैलेश को सैलरी मिल रही है कितनी 9,000, समझाया मैंने, एक महीने का 1,000 तो 9 महीने तक पार्टनरशिप चल रही है तो 9,000 मिलेगा, ठीक है ना, तो यहां पे लिखूंगा और शैलेश को मिल रहा है एक ही इफेक्ट और क्या लिखूंगा टू सैलरी अकाउंट, शैलेश तो सैलरी लिखेगा ना जैसे कि उसमें हमने हितेश में कमीशन लिखा था, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स पूरा सम सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ वर्ड्स चेंज होंगे आपके, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको और कुछ भी नहीं है। और दूसरा ध्यान देना है कि हितेश कर रहा था दो ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इफेक्ट हो गए। इसके बाद आप अकाउंट क्लोज करोगे,
इसका अकाउंट क्लोज करोगे तो सेम 16,000 ही आएगा। आप करके देखना 16,000 हमारा आया था, 16,000 ही आएगा। तो उसको आप रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनका रेशियो है 1:1 मेंशन इक्वल प्रोपोर्शन में, मतलब 8,000 8,000। तो सबसे पहले किसके लिखूंगा, मैंने बताया था हितेश के, हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश में हितेश का पहले लिखना है। तो हितेश अकाउंट ब्रेकेट में प्रॉफिट, ठीक है 8,000, और दूसरा 8,000 इसका पीएनएल अकाउंट, ये शैलेश का बाद में आएगा, उसमें हितेश में बाद में लिखा था हितेश का, ध्यान है ना, इस तरह आपको ध्यान रखना है ओके। और हितेश का डेबिट है, इसका दूसरा इफेक्ट होगा जो हितेश को प्रॉफिट मिल रहा है क्रेडिट साइड जाएगा, ठीक है। यहां पर लिखूंगा बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है कितना मिला 8,000 ओके। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे, इसका डिफरेंस भी 55,000 आएगा, जैसे कि शैलेश का आया था 55,000, इसका भी यही आएगा, करके देखे। तो देखो आप डेबिट साइड सेल है हमारी 1,25,200, मतलब टोटल ये आया, डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, ठीक है ना 1,25,200। अभी इसमें से ऐसा माइनस करना है 1,25,200, मैं इसमें से माइनस करूं 44,000 -2,500 -2,000 -1,180 -12,520 -8,000 ओके। देखो कितना है 55,000 आया, मैंने आपको बताया 55,000 ही आएगा बाय बैंक अकाउंट ओके। जैसे उसमें आया था वैसे ही आएगा, सेम ही होता है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको किस में बना रहे हो, हिंदी बुक्स ऑफ शैलेश में बना रहे हो तो शैलेश का एक इफेक्ट, हितेश के दो इफेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। और ये भी आपको एग्जाम में 14 मार्क का आता है, तो प्लीज अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ओके। तो आज हमने जो भी सम किया, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।